देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश के कई इलाकों में देख रहे हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात सबसे पहले हम भिलवाड़ा की करते हैं। भिलवाड़ा में क्या कुछ स्थिति है इस समय, हमारे संवाददाता योगेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, हम देखा है कि कोरोना मुक्त तो पहले हो चुका था भिलवाड़ा, और पिछले 2-3 दिन की अगर बात करें तो आंकड़े वहां पर भी बढ़े हैं। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? भीलवाड़ा को पहले कोरोना मुक्त किया जा चुका था, क्योंकि 28 में से पहले 26 रोगी जो पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गए थे, लेकिन कल 11 दिन बाद वापस कोरोना बम विस्फोट हुआ और लगभग 4 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, और शाम होते होते एक और कोरोना पॉजिटिव सामने आया। जो पांचवा कोरोना पॉजिटिव था वो जयपुर में ही रहता था, उसका सैंपल जयपुर ही लिया गया, इसलिए उसको काउंट जयपुर में ही करेंगे। और अभी जो 4 जो भीलवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 2 लोग दिल्ली से आए थे 15 अप्रैल को, उनकी उनके सैंपलिंग की सीमा पे ही कर ली थी और उनको होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया था। और भीलवाड़ा में उसके बाद अभी 24 घंटे में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। बिल्कुल, और आप जिस तरीके से बता रहे थे कि जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, चाहे वार्ड बॉय हैं, चाहे और भी कर्मचारी हो, वो इस कर्मचारी के संपर्क में आए हैं जो पॉजिटिव है, क्या उनके अभी तक टेस्ट लिए जा चुके हैं? भीलवाड़ा में जो एक कल युवक जो कोरोना पॉजिटिव आया था, उनके पिताजी को मेडिकल स्टोर में थे, महात्मा गांधी चिकित्सालय के, और लगातार वो अपनी सेवाएं वहां दे रहे हैं। उनके संपर्क में वार्ड प्रभारी से लेकर कंपाउंडर मेल फीमेल से लेकर डॉक्टर से लेकर दवाई अपने पेशेंटों तक उनके संपर्क में थे, सबकी एक सूची बना ली गई है, सबको क्वारंटाइन में भेज दिया गया और सबके सैंपल ले चुके हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो योगेश शर्मा भिलवाड़ा से हमारे संवाददाता भिलवाड़ा के बारे में बता रहे थे कि वहाँ पर फिलहाल अभी तक कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, अभी तक 5 मामले वहाँ पर सामने आए हैं और चिकित्सा विभाग लगातार नज़र बनाए हुए है।